लद्दाख सीमा पर तनाव कुछ ऐसा है कि शांति प्रिय देश भारत इसे खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि सिर्फ बातचीत करके भारत का समय जाया कर रहे चीन को भारत बार बार मौका दे रहा है और उसके साथ वार्तालाप करने के लिए बार बार मीटिंग में शामिल हो रहा है, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं और सिर्फ बातचीत से किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। इस बीच भारत दूसरे देशों से अपने लिए समर्थन जुटाने में लगा है और चीन को डराने में भी, जैसे अमेरिका के ही भारत के साथ आने से चीन बौखलाया हुआ है और उसके बाद अब चीन को एक और गहरी चोट देते हुए भारत ने रूस की सेनाओं के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त नौसैनिक इंद्राभ्यास किया। बंगाल की खाड़ी में लगातार दूसरे दिन भारत और रूस की नौसेनाओं ने दम दिखाया। ये नौसेना का अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के चलते हिंद महासागर में भारत अपने जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा रहा है। हिंद महासागर देश के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों के मुताबिक विमान रोधी अभ्यास, हेलीकॉप्टर अभियान, कर्तव्यबाजी और एक जहाज से दूसरे जहाज पर विमानों का जाना जैसे सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक भारत रूस इंद्र नौसेना अभ्यास के 11वें सत्र के तहत किए गए। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल के मुताबिक ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालीन सामरिक साझेदारी का प्रतीक है। रूसी नौसेना ने समुद्री अभ्यास में विध्वंसक पोत एडमिरल विनोग्रादोव और एडमिरल त्रिबुत आदि तैनात किए। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व दिशा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्ध पोत INS रणविजय, फ्लीट टैंकर शक्ति और उसके हेलीकॉप्टरों ने किया। इंद्र अभ्यास के इतिहास की बात करें तो भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। इस दौरान भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर मई 2003 में पहले भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। इंद्र अभ्यास रूस और भारत की नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। पिछले संस्करण का अभ्यास दिसंबर 2018 में विशाखापट्टनम में किया गया था। इस युद्धाभ्यास से चीन को सीख लेनी चाहिए कि नहीं, वो उसे तय करना है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका दृढ़ता के साथ भारत के साथ खड़ा है, वो दिन दूर नहीं जब रूस भी भारत के साथ खड़ा दिखाई देगा और फिर तब चीन का जो हाल होगा, चीन की सरकारी भोपू यानी कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उसे ठीक से कवर भी नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन के अच्छे दिन लगने शुरू हो गए हैं? क्या पूरी दुनिया में त्राही त्राही करवाने के बाद अब चीन के लिए बुरे दिनों का दौर शुरू हो गया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।